उड़ानिया में सब कुछ बदल गया। आसमा अरमान का रिश्ता जो कि अब टूटने के कगार पर है, अब ऐसा दिखाया गया अरमान को कि आसमा ने ही सब कुछ किया है। उसने ही जाकर अपने बाप यानी कि एकम को बताया है कि राजा जो है वो बंदूक तान दिया था अपने भाई पर। यहाँ पर सुखी गिल जो है वो अपनी वाइफ को मारते हैं। इस सारे चीजों को इस तरीके से एडिट कर पेश किया गया कि आसमा ही गुनहगार थी। यहाँ पर अरमान जो है आसमा को कह देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन आसमा भी कसम खाती है कि राजा को वहां से मेंटल हॉस्पिटल से निकाल कर रहेगी। और आसमा ऐसा ही करती है, मेंटल हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वो नर्स का रूप धारण करती है, और जहां पर राजा है वहां वो चली जाती है और वहां से उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तब तक वहां डॉक्टर और कंपाउंडर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी दौरान आपको बताते चले कि जहां पर राजा एडमिट है वहां पर आग लग जाएगी। जी हाँ, ये आग भी आलिया का लगाया होगा। आग लग जाएगी जहां पर सब लोग मारे जाएंगे, लेकिन यहां पर आसमा किसी भी तरीके से राजा को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगी। राजा भी वहां से बाहर निकलेगा, लेकिन राजा का पता है नहीं कि राजा है कहां। और यहां पर घर पर यह खबर आ जाएगी कि राजा अब जिंदा नहीं रहा, राजा की मौत हो गई है। यहां पर शोक सभा राजा के लिए रखा गया है। वहीं आसमा भी पहुंच जाती है और आसमा कहती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, राजा जिंदा है, मैंने खुद उसे वहां से भागते हुए देखा था, राजा ने वहां से हॉस्पिटल से निकला है, मैं खुद राजा को वहां से निकाली हूं। लेकिन कोई भी आसमा की बातों पर यकीन नहीं करता है। आलिया दुल्हन बनकर बस ख्वाब देख रही है अरमान का। आपको बता दें कि यहां पर आलिया जो है वो आसमा को एक बहुत बड़े हथौड़े से जान से मारने की कोशिश करेगी। देखना दिलचस्प है कि कहानी में और कौन से नए रंग आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।